और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर है चकराता के त्यूनी में घर में भीषण आग लग गई। घर में 3 बच्चों के फंसे होने की आशंका है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। तो देहरादून से तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भीषण आग लगी दूर से ही आप देख सकते हैं। आसपास काफी भीड़ भी जुट गई है, वहां जेसीबी दिख रही है और भीड़ देखिए किस तरह से वहां काफी जुटी हुई है। देहरादून के चकराता से ये बड़ी खबर है। प्रीतम सिंह का विधानसभा क्षेत्र यह है। दरअसल त्यूनी में घर में आग लग गई, भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी तरह से ये जो मकान है वो आग की लाल लपटों की जद में है। धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा रहा है और दूर तक भीड़ जुटी हुई है। क्या इसकी वजह से रास्ता ब्लॉक था या ये भीड़ यहां पर इस आग को देख रही है सिर्फ, ये भी एक बड़ा सवाल अपने आप में। लेकिन देखिए भीषण आग लगी है, घर में 3 बच्चों के फंसे होने की आशंका है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि त्यूनी में आग लगी और इस आग में 3 बच्चे घर में फंसे हुए हैं। जानकारी यह है देहरादून के चकराता से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। मकान पूरी तरह से आग की लाल लपटों की जद में है और देखिए धुएं का गुबार ऊपर आसमान तक जा रहा है। और यहां जानकारी है कि त्यूनी में जिस घर में आग लगी है उसी घर में 3 मासूम छोटे बच्चे यहां फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। देहरादून के चकराता से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें देखिए, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां जहां सड़क है वहां वहां लोग इकट्ठा हैं और घर में 3 बच्चे यहां फंसे हैं। संवाददाता मनीष चौहान हमारे साथ कनेक्ट है। मनीष, क्या जानकारी, बच्चों को रेस्क्यू किया गया क्या? सर देखिए, ये मकान जो था त्यूनी में था, ये पुराना सा मकान, लकड़ी का बना हुआ मकान था। तो जैसे ही इसमें गैस हिस्सा हुआ बिजली के कारण इसमें आग लगी है। 3 बच्चे इसमें होने की आशंका जताई जा रही है। जो क्या ना फायर ब्रिगेड की टीम है वहां पहुंच चुकी है। मनीष, जो भीड़ है क्या वो रास्ता ब्लॉक है इस वजह से या भीड़ देख रही है कि आखिर हुआ क्या है? काफी भीड़ तस्वीरों में दिख रही है हमें। ये जो दुकान है ये बिल्कुल रोड के बगल में ही है, इसमें आग की लपटें इतनी ज्यादा है कि रोड में पूरी की लपटें आ रही है, जिससे कि रोड भी बाधित हो रही है वहाँ पे। मनुष्य, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जानकारी है कि 3 बच्चे वहां फंसे हैं, गैस लीकेज की वजह से हादसा हुआ। लकड़ी का ये मकान था, पुराना मकान था और पूरी तरह से मकान जो है जलकर खाक हो रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड यहां काबू पाने की कोशिश कर रही है आग पर। तो सबसे पहले तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, घर में 3 बच्चों के फंसे होने की आशंका।